बाद आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चिमूर विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति कुमार भांगड़िया के विधानसभा क्षेत्र के नवे गांव मक्ती करके गांव है, यह ब्रह्मपुरी तहसील के तहत आने वाला गांव है। इस जगह की जनता का क्या है कहना? हम लोग अभी पहुंचे हैं नवे गांव मक्ता करके गांव है ये। यह गांव भी चिमूर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है 74 नंबर के। यहाँ के जो विधायक है कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया करके, हम अभी उनके बारे में इस गांव वालों से भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपने स्थानीय विकास निधि से क्या क्या इस गांव का विकास किया है। क्या नाम है आपके गाँव? सुरेश बगमारे जी, बताइए आपके गाँव में बंटी भांगड़िया जी कितने दफ़ा आए हैं? एक दो बार आए। अच्छा, स्थानीय विकास निधि से उन्होंने कोई सड़क नालियां वगैरह निर्माण कुछ कार्य निर्माण किया मगर वो चालू नहीं है। अच्छा, जो काम उन्होंने यानी उद्घाटन किए हुए चालू नहीं हुए है। अच्छा, आपके गांव में क्या क्या समस्या है वो हमें बता रहे। नाली की समस्या है। क्या नाम है आपका? विकास नागपुर। अच्छा, आपके गाँव में नालियों की समस्या। अच्छा, शिक्षा वगैरह की, यहाँ स्वास्थ्य सेवा वगैरह अच्छी है। कितनी दफा बंटी भांगड़ी आपके गांव में आए हैं? दो बार आए। अच्छा, आपको लगता है कि वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? वैसे सक्रिय है। सक्रिय है। हाँ। अच्छा, सक्रिय कैसे है वो थोड़ा बताएंगे? यानी निधि तो आए मगर वो काम नहीं हुए ना अभी। अच्छा, काम नहीं हुआ, निधि आया हुआ है आपके गाँव में। क्या लगता है आपको, सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक? सक्रिय है। अच्छा, आपके क्षेत्र का विकास बंटी भांगड़िया जी ने किया है, क्या लगता है आपको? देखो अभी तो फिलहाल तो किया नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ, अभी तो किया तो है ही नहीं अभी। अच्छा, किया नहीं है कोई नहीं, नहीं। अच्छा, यहाँ बिजली वगैरह बराबर रहती है आपके गांव में? बिजली के तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, किसानों को कोई उन्होंने अपने तरफ से सहायता वगैरह, जैसा किसानों को जो कोई पैसा वगैरह मिलता है या बीमा वगैरह फसल का, वो तो कहाँ दिया? कुछ नहीं मिला ना, कुछ दिया भी नहीं कुछ भी तो। अच्छा, कुछ नहीं मिला हुआ है। अच्छा, आपके गांव में अभी जो स्किल्ड जो मजदूर वगैरह वर्ग होता है उसे वो जो कुछ पेटी वगैरह वितरित हो रही है वो कुछ हुई है? कुछ भी नहीं मिली, एक भी नहीं मिली गांव में। कुछ नहीं मिला? नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। अच्छा, गाँव आपका यानी आपको लगता है कि विकास से दूर है? दूर है बिल्कुल। अच्छा, तो आप उनको मानते हैं कि सक्रिय मानते हैं कि निष्क्रिय मानते हैं? देखो अभी तो सक्रिय है ही है, पर हम जिसको ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं ना, उसको नहीं बोल सकते ना। अच्छा, तो यानी उनके माध्यम से कोई काम हुए नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल काम हुआ नहीं। क्या नाम है आपका? ये दुकानदार। क्या नाम है आपका? शुभम सहारे। सहारे जी, बताइए बंटी भांगड़िया जो विधायक है वो उनके माध्यम से आपके गाँव में कोई काम हुए हैं? नहीं, अभी तो पिछले साल आए थे वो रोड का उद्घाटन करने। नहीं क्या? अच्छा, लेकिन अब तब से तो अभी आए नहीं। वो रोड का उद्घाटन करने आए, उसके बाद आए नहीं? आए नहीं। अच्छा, कभी आप लोगों ने उनके पास अपनी समस्या लेके गए हैं? नहीं ना, कहाँ जाते, वो तो चिमूर में रहते ना, और हमारे यहाँ पे कम लोग रहते हमारे गांव में। अच्छा, तो यहाँ पे कोई आने जाने वाले ने आमदार वगैरह आते नहीं यहाँ पे। अच्छा, आमदार वगैरह नहीं आते, लेकिन अभी जैसे चुनाव शुरू हो गए वो भी आने शुरू कर देंगे? हो आएंगे ना, वोट मांगने आएंगे। वोट मांगने के लिए आएंगे आप तक के? तो कहाँ तक के आपका एजुकेशन हुआ है? एम कॉम पढ़े हैं। क्या लगता है कि आपने वोट जो डाला था वो गलत डाला था कि पॉजिटिव था आपका? नहीं, अभी देखो पॉपुलेशन तो बहुत सारी है। हाँ, बहुत सारा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से तो सही है। अच्छा, लेकिन हमारे गांव के हिसाब से बोले, गांव के विकास के हिसाब से निष्क्रिय नहीं है, नहीं, है उनका, उनका कार्यकाल आपको लगता है निष्क्रिय है? निष्क्रिय नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ आके वो किसी से मुलाकात नहीं हुई, नहीं क्या? अच्छा, वो जैसा चल रहा है बाकी गांव में, हाँ, वो हमारे गांव में चल रहा है, लेकिन वो पिछले साल बीमा मिला था, हाँ, नानगांव की तरफ मिला था। अच्छा, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं मिला। नहीं मिला। और वो मजदूर की पेटी मिलती ना, हाँ, वो हमारी साइड से परसोड़ झील बोड़ी लगी हुई, हाँ, हाँ, वो आप मिली। अच्छा, क्योंकि उसका वो क्षेत्र अलग है। अच्छा, वो वडट्टीवार का क्षेत्र है, तो गांव को वहाँ पर अच्छी सेवा मिली, वहाँ उनको मिली। यहाँ कोई आता नहीं, वो फार्म लेके कोई जाता नहीं। अच्छा, नहीं क्या? अच्छा, तो ऐसा है। तो जैसा कि अभी यहाँ के लोगों से हमने चर्चा की है, उनका भी कहना यह है कि वो जो बंटी भांगड़िया, कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया है, ये ब्रह्मपुरी से लगभग नज़दीक का ही इलाका है, लेकिन उनके चिमूर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यह ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र का इलाका नहीं रहने के वजह से यहाँ के भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ निशांत भाई। विक्रम डोलर है। अच्छा, विक्रम डोलारे जी, काका जी आप मुझे बताइए कि यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक है कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया, तो उन्होंने उनके माध्यम से इस गांव में कोई योजना वगैरह चली है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई आपके गांव में भी ये नहीं? अच्छा, रोजगार हमी वगैरह चली? नहीं। तो गांव के लोगों का फिर यानी जो विकास है वो काफ़ी रुका हुआ लग रहा है? हाँ। अच्छा, तो आप बताइए कि वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? निष्क्रिय विधायक है।
तो लगभग आपको क्या लगता है कि आप यानी जो स्थानीय लोगों को रोजगार वगैरह की समस्या? हाँ समस्या नहीं दे, वो डिस्ट्रिक्ट चिमूर बनाता है। हाँ हम उनको बर्मपुरी होना वो बनाता है क्या, हमें वोटिंग देता हूँ उसको। अच्छा यानी आपको यहाँ से जाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? चिमूर जाना पड़ता है। चिमूर जाना पड़ेगा, बर्मपुरी तो नजदीक है। तो आपका ब्रह्मपुरी कितना नज़दीक है यहाँ से? 7 किलोमीटर। अच्छा, और आपका भी जो चिमूर डिस्ट्रिक्ट है वो कितनी दूर आएगा? वो आएगा ना 30-40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूर है। यानी आपका कहना ऐसा है कि आपको ब्रह्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में ले लेना चाहिए। हाँ ये चिमूर डिस्ट्रिक्ट में आता है गाँव। हाँ। तो इसके वजह से आपको काफ़ी असुविधाएँ हो रही है। सुविधा मतलब ब्रह्मपुरी डिस्ट्रिक्ट होना। अच्छा अच्छा, आपके गाँव में कभी किसी की तबीयत वगैरह खराब हो जाती है तो स्वास्थ्य सेवा के लिए आप कहाँ जाते हैं? ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी तो यहाँ स्वास्थ्य सेवा वगैरह है आपके गांव में? नहीं। अस्पताल वगैरह कोई नजदीक नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं। यानी सारी चीजों के लिए आपको ब्रह्मपुरी जाना है। हाँ। और जो भी सरकारी काम है उसके लिए आपको चिमूर जाना है। हाँ। अच्छा तो वो ये है ना, अभी वो मैं वॉलेटरी वर्कर के पास जाता हूँ। हाँ। वो क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे एरिया का नहीं। अच्छा, वो कौन सा भी काम नहीं करता तहसील का। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारा एरिया अलग है। अच्छा, आपका विधानसभा? मैं मेरे तो सुनो। हाँ। तो चिमूर में कब जाएंगे हम? अच्छा, तो वो बोलते हैं क्या तुम, हम नहीं करते मतलब अपना देखता वो। अच्छा, यानी वड्डेटीवार जी आप उनसे मिलते हैं जब? हाँ। तो वो बोलते हैं कि आप उनका एरिया नहीं है। नहीं, ये करके तुम्हारा एरिया। हाँ। आपकी जो तहसील है वो ब्रह्मपुरी है क्या? तहसील ब्रह्मपुरी है ना। अच्छा, यानी आपको तहसील के सारे काम करने के लिए आपको ब्रह्मपुरी जाना है। हाँ। और जब वोटिंग वगैरह हो रही होगी तो वो चिमूर में होगी। हाँ। तो इसके वजह से काफी दिक्कतें हो रही है आपको। हाँ। यानी लगभग देखा जाए तो यह जो गांव है ब्रह्मपुरी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। देखो। हाँ। हमारे वो 40 गाँव है अरे सर्कल में। अच्छा, तो वो क्या है, उसको बाप ने माना है। अच्छा, समझे क्या? हाँ हाँ, उसको बाप ने माना है। अच्छा, किसके पास जाएंगे हम? अच्छा, यानी आपका काम रहा तो आप चिमूर वालों को बोलेंगे? वो आते थे नहीं। अच्छा, वो नहीं आते? वो उसके पास जाएंगे तो तुम्हारा आमदार देखो। अच्छा, हमारे बस्ते वाले ऐसे रहेंगे क्या? अच्छा, यानी काफ़ी समस्या है। लगभग यह जो गांव है यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर दूर पर ब्रह्मपुरी है, लेकिन ये इनकी जो इस गाँव की जो तहसील है वो ब्रह्मपुरी में, इनको तहसील के जो भी काम होते हैं तो ब्रह्मपुरी तहसील में होते हैं। लगभग यहाँ से यहाँ के जो लोगों की एक बड़ी समस्या यह है कि ये चिमूर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और इन्हें ब्रह्मपुरी में काम होते हैं, लेकिन जब उनके सरकारी कामों के लिए जब वो विधायक के पास जाते हैं तो ब्रह्मपुरी के विधायक जो है वो है विजय वड्डेट्टीवार जी। तो विजय वड्डेट्टीवार की तरफ जब जाते हैं तो इनको गाँव वालों को वो बोलते हैं कि वो आप मेरे मतदार संघ में नहीं आते। तो ये बंटी भांगड़िया जी की तरफ यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता है और ऐसी सिचुएशन में गाँव वालों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखा यह गया है कि गाँव वालों ने जो अपनी समस्या बताई है तो यहाँ के जो कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया है वो यहाँ के स्थानीय विकास में वो निष्क्रिय विधायक ऐसे रहे हैं, ऐसा गाँव वालों का ही मानना है। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। देखा आपने, जनता किन्हें चुन के देती है? आखिर विधायक के पास अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना भी नागवारा होता है। पिछले चार वर्षों में कोई भी विधानसभा क्षेत्र में विधायक अपने जनता से मिलने नहीं गए, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं बस ऐसे ही इसी दौर में या अपने जनता के बीच में जाकर नए नए कामों के उद्घाटन वगैरह करते हुए नजर आते हैं। यही हाल है सारे विधानसभा क्षेत्रों का। बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में, आपको और भी विधायकों के बारे में रूबरू कराएंगे। हेलो, ओए तूने आज हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सर कैफ यू यार। पर हाँ, मैंने भी अपने घर पे रॉयल हेलची लगाया। सो रणबीर, उसका एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया को किल कर देता है ना। पर मेरे और बैक्टीरिया में क्या कनेक्शन? सो फनी। थैंक यू। Hey, careful. What? It kills bacteria. Asian Paints Royal Health Shield. इसकी एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी दीवारों पे लगे बैक्टीरिया को किल करे और घर को रखे सेफ। रॉयल हेल्थ शील्ड, द पेंट दैट केयर्स फॉर यू।